किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, देगी, मौत मौत जब जब तुझको तुमको आवाज आवाज देगी, देगी, घर घर से से बाहर बाहर निकलना निकलना पड़ेगा, पड़ेगा। घर घर से से बाहर बाहर निकलना निकलना पड़ेगा। और आपने ये सुझाव दिया, तब से मतलब आंखों का पीलापन, चेहरे का पीलापन और बालों का टूटना, ये बहुत ज्यादा कम हो गया। जो पहले चिड़चिड़ापन था वो अब नहीं होता है। हम आपके जैसे बताए हुए वो उपदेश थे मेरे कि 1.25 लीटर पानी पीना है, और तब से मैं 1.25 लीटर हमेशा पानी पीना शुरुआत कर दी। पहले तो नहीं पीती थी, पर अब मैंने शुरुआत कर दिया और उससे मेरे लाइफ में मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसका रिजल्ट निकला। पहले तो जो पहले चिड़चिड़ापन था वो अब नहीं होता है। वो माइंड को भी अच्छा फ्रेश रखता है, उसके बाद से बॉडी भी फ्रेश रहती है, उसके मन शांत रहता है और कंफर्टेबल फील होता है। तो बाबू, इसमें क्या प्रॉब्लम जो थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई हो या फिर आपको बेनिफिट लग रहा हो, तो कैसे बेनिफिट या प्रभाव कैसा दिख रहा है वो बताओ। अब पहले जब मैं थी तब जैसे मेरे बालों का ज्यादा गिरना था, उसके बाद से आंखें पीली हो जाती थी और शरीर भी मेरा ऐसा लगता जैसे पीलापन होता था। अच्छा। और एक बार पीलिया की शिकायत हुई थी तो वो सही हो गया, और फिर जब ऐसा होता रहा, चेकअप भी हुआ तो उसमें पीलिया की शिकायत नहीं आई। तब एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम पानी नहीं पीती हो, और ये मैंने स्वीकार किया कि हाँ मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो फिर उसके बाद से जब आप आए और आपने ये सुझाव दिया, तब से मतलब आंखों का पीलापन, चेहरे का पीलापन और बालों का टूटना, ये बहुत ज्यादा कम हो गया। तो पहले क्या पीते, तो कितना पानी पीते थे? पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं भोजन करती थी तब सिर्फ एक घूंट पानी में ही मेरा काम चल जाता एक था, घूंट पानी। एक घूंट पानी में, और मैं अच्छा, ज्यादा पानी नहीं पीती थी। ओहो, और लगभग दिन, पूरे दिन में मैं एक दो गिलास ही पानी पीती थी पूरे दिन भर में। पूरे दिन भर में। पर अब पानी का मतलब प्रभाव जब से पड़ा, तब से पानी पीना भी मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। तो सुबह सुबह ही आप 1.25 लीटर पानी पी हाँ, लेते हैं। सुबह बिना मुंह धुले अभी आते हैं और उसके बाद से तुरंत 1.25 लीटर पानी गर्म करके और पी लेते हैं। पी लेते हो, तब से आपकी आंखों का पीला पीला, होना, चेहरे का हाँ पीला होना और बालों का गिरना, ये गिरना, बंद हो गया। हाँ वेरी नाइस। यानी देखो, ये जो प्रभाव है, ये असर है, यानी आंखों की शिकायत या बालों की शिकायत या चेहरे पे पीलापन, ये सब का कनेक्शन लीवर से है। हाँ यानी लीवर में कोई गड़बड़ी होगी तो आंखों की रोशनी पे बुरा असर होता है या पीलापन होता है, या फिर बालों पे बुरा असर होता है या फिर चेहरे पे होता है। यानी आप इस 1.25 लीटर पानी के प्रयोग से आपके लीवर में क्या हो रहा है, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। और जो आपने कहा कि जॉन्डिस एक बार हो गया था, पीलिया हाँ हो गई थी, हाँ तो अब अगर इस प्रयोग को लगातार आप करते रहोगे तो कभी भी लीवर की शिकायत नहीं होगी और हाँ कभी भी जॉन्डिस यानी पीलिया की शिकायत नहीं होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस उम्र के बच्चों के लिए कि भाई आप देख लो, बच्चे कितना सारा कुछ करते हैं अपने बालों के लिए, कितने सारे साबुन शैम्पू और पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, और चेहरे के ग्लो के लिए लगाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन वो तो आप फ्री में कर रहे हो। और एक बार में, जैसे कहते हैं, एक तीर से तीन निशाने हो गए, मतलब चेहरा भी ठीक हो गया, आंखों का पीलापन भी चला गया और बाल भी टूटने बंद हो गए। बहुत अच्छा कर रहे हो। कौन सी क्लास में हो? 12th में, इस साल 12th फाइनल हो गया मेरा। 12th में है, 12वीं कक्षा की छात्र, मतलब आपने फाइनल कर लिया है, अब हाँ ग्रेजुएशन में जाओगे। हाँ ग्रेजुएशन। तो मैं तो यही कहूंगा सभी बच्चों से कि बच्चे, अगर इस उम्र के बच्चे अक्सर कहते हैं कि 1.25 लीटर पानी हम नहीं पी पाएंगे, लेकिन आप सामने देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ संगम बैठी हुई है और संगम ने जो प्रयोग किया, बेटा कितने समय से कर रहे हो आप? लगभग 3 महीने से। 3 महीने से लगातार कर रही हैं और बेनिफिट इतने सारे हैं हाँ जो आपने बताया अभी, जी, तो दूसरे भी बच्चों को, भाइयों को, बहनों को करना हाँ चाहिए। हाँ मैं यही कहूंगी कि आप जितने भी हमारे एज के हो या फिर छोटे एज के हो या फिर मुझसे भी बड़े हो लोग, वो सब लोग पानी का प्रयोग करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आपको देखकर दूसरे भी भाई बहन भी मोटिवेट होंगे। जैसे आपकी आवाज बहुत सुरीली है, वैसे ही उनकी भी आवाज हो जाएगी। मन शांत हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छे सिंगर के लिए मन का शांत होना, शरीर का स्वस्थ होना,
उसके गले का अच्छा होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो संगम बाबू, आप आज क्या सुनाओगे? आज मैं अपने जैसे जिंदगी में लोग जैसे अपने जिंदगी को जैसे व्यतीत करते हैं उसके बाद से किस तरह उनका मौत होता है, कैसे जाना होता है, मैं आज उसे एक गाने के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप उसको गा के सुनाओगे? हाँ, जिंदगी के बारे में। हाँ, जिंदगी के बारे में। चलो सुनाओ। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगे जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वाह वाह, अति उत्तम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही दिल से गाया। और जिंदगी की सच्चाई, हाँ, जो दर्द से भरी हुई सच्चाई है, यानी ये किराए का घर है, हाँ, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा। हाँ? यानी निकलना तो पड़ेगा, आपको घर से निकाल दिया जाए उससे पहले इस घर में रहकर कुछ ऐसे अच्छे कर्म करो ताकि धक्के मार के निकालने की जरूरत ना पड़े। जहां भी जाओ आपका आगे की यात्रा भी कल्याणकारी हो। यही है ना मैसेज इस गाने का? हाँ, बहुत सुंदर गाया। तो ये आप एक बात बताओ, ये गाना तो एक ऐसा है जो कि जिंदगी में जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनको इन चीजों पे विचार करना चाहिए। अभी तो आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर इस गाने को कैसे सेलेक्ट कर लिया? देखिए, अब जैसे कि ये तो आम बात हो गई है कि लोगों का आना और जाना ये तो लगा रहता है इस धरती पे, और उसके बाद से जब मतलब पहले बचपन में तो ये सब चीजें हम लोग को मालूम नहीं थी, और जब हम लोग बड़े होते गए तो अब इसका और देखते रहे, मौत आती है और जाती है, और पैदाइश जैसे लोग होते हैं धरती पे, और उसके बाद से एक ना एक दिन उसको जाना ही होता है। और वैसे ही मतलब कुछ चीजें हम लोग के भी लाइफ में एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि जिसके बारे में अब हम लोग को तो सोचना पड़ेगा ही। और हम लोग जब ऐसा एक्सीडेंट देखे तब ऐसा लगा कि हाँ, आना और जाना ये दोनों लाइफ में होगा, जैसे भगवान ने हम लोग को यहाँ पे भेजा है और वैसे वो लेकर भी जाएंगे। और अपनी लाइफ में कुछ अच्छे कर्म भी हम लोग करें ताकि कि ना हम लोग को दिक्कत हो और ना ईश्वर को दिक्कत हो इस चीज। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो आपका, माता रानी खूब मंगल करें।